हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इटोरिया करंट अफेयर सीरीज चलाई जा रही है, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन यहां से ना छूटे। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं नवीनतम पर्यावरण एवं परिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन, जिसमें पहला फैक्ट है भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व तो कौन कौन है। श्री विली पुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। अगला फैक्ट है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, यह भारत का 52वां और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। अगला फैक्ट देखिए 4था वन प्लेनेट सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने हेतु है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए जनवरी 2021 में फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन यूएन और विश्व बैंक के सहयोग से, इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना है। इसका थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट है इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है 2021 में इस तरह का यह 4था सम्मेलन है। पहला सम्मेलन 2017 में पेरिस में आयोजित हुआ था। अगला टॉपिक इसमें है वर्ष 2020 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ। इसके अंतर्गत देखें तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते में 1975 से प्रभावी हुए भारत में 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है और जुलाई 2021 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 42 हो गई है, हालांकि अब 46 हो गई है, 4 और ऐड हुआ है। नेक्स्ट देखिए वर्ष 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत के 5 आर्द्र भूमियाँ आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड है, कांवर ताल बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, त्योंकर आर्द्र भूमि परिसर लद्दाख है। नोट देखिए सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम के 175 स्थल इस सूची में शामिल है। नेक्स्ट है रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग प्रायद्वीप था 1974 में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है तो सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बराज है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में, यह कब प्रकाशित किया गया तो 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित किया गया। इससे रिलेटेड फैक्ट देखें यह रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला फैक्ट देखें भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 12852 है। अगला हम लोग देखें मध्य प्रदेश 3421 प्रथम स्थान पे है, कर्नाटक 1783 द्वितीय स्थान पर है, महाराष्ट्र 1690 तृतीय स्थान पे है, तमिलनाडु 868 चतुर्थ स्थान पे है, उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो 316वें स्थान पे है, बिहार 98 तेंदुओं की संख्या है और झारखंड में 46 तेंदुओं की संख्या है। वर्ष 2014 से 18 के बीच तेंदुओं की आबादी की संख्या 60% वृद्धि हुई है। अगला फैक्ट देखें क्षेत्र की दृष्टि के माध्यम से मध्य भारत और पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए कुल 8071 देखे गए हैं। अगला फैक्ट देखें मैग्रव वनस्पति क्षेत्र के बारे में, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर देश में कुल मैग्रव कक्ष 4975 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2017 की तुलना में मैग्रव का क्षेत्रफल वृद्धि 54 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग रैंक देखें प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल 2112 किलोमीटर स्क्वायर है, द्वितीय स्थान गुजरात 1177 किलोमीटर स्क्वायर है, तृतीय स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 किलोमीटर स्क्वायर है, चतुर्थ स्थान आंध्र प्रदेश 404 किलोमीटर स्क्वायर है, पांचवा स्थान महाराष्ट्र 320 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला फैक्ट देखें कुल मैग्रोव वन में
पश्चिम बंगाल अकेले 42.45% हिस्सा रखता है। नेक्स्ट है, मैग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि गुजरात 37 वर्ग किलोमीटर में हुई है। द्वितीय स्थान में वृद्धि महाराष्ट्र 16 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला फैक्ट हम लोग देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 की 16वीं रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट भारत वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है। इसके लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। FSI द्वारा दो वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, यानी कि हर 2 साल पे वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट के बारे में देखें तो ये 1987 में जारी किया गया था। इसका मुख्य बिंदु देखें, देश में वनों एवं वृक्षों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल है 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर 24.56% है। नेक्स्ट देखिए, वनावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। नेक्स्ट हम लोग देखें, वनावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 2.89%। अगला फैक्ट है, 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि 5,188 किलोमीटर स्क्वायर है 0.65%। अब हम लोग देखें, वनावरण में वृद्धि तो 3,976 किलोमीटर स्क्वायर है। वृक्षावरण में वृद्धि 1,212 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, देश में कुल मैग्रोव वन की संख्या है तो ये है कितना है तो 4,975 किलोमीटर स्क्वायर। मैग्रोव वन में वृद्धि 54 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कर्नाटक 1,025 किलोमीटर स्क्वायर, आंध्र प्रदेश देखे 990 किलोमीटर स्क्वायर है, केरल 823 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,482 किलोमीटर स्क्वायर है, अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर है, छत्तीसगढ़ 55,611 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 89.63%, मेघालय 76.33% है। अन्यतः भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर है। आर्द्र भूमि देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। अगला फैक्ट देखें, भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र है लक्षद्वीप, मिजोरम और निकोबार। नेक्स्ट हम लोग देखें, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी है। विश्व में कुल वन क्षेत्र है 4.06 बिलियन हेक्टेयर, जो कुल भूमि का लगभग 31% है। वैश्विक औसत 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। विश्व के कुल वन का 45% उष्णकटिबंधीय वन है। वर्ष 1990 से 20 के बीच 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल नष्ट है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश हैं रूस 815.3 मिलियन हेक्टेयर, वैश्विक वन क्षेत्र है 20। ब्राज़ील 496.6 है, 12 वैश्विक वन क्षेत्र प्रतिशत है। कनाडा 346.9 बिलियन हेक्टेयर है, 9 वैश्विक वन क्षेत्र का 9% है। भारत 72.1 मिलियन हेक्टेयर है, दूसरा स्थान है वैश्विक वन क्षेत्र में, विश्व का 10वां स्थान। नोट, विश्व के 14.8 बिलियन हेक्टेयर पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है। नेक्स्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में देखिए तो यह रिपोर्ट कब जारी होता है तो ये 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ। और भारत में बाघों की कुल संख्या की देखें तो 2967 है। 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी 33% वृद्धि हुई, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है,
526 बाघों की संख्या, कर्नाटक में 524 ऊपर से दूसरा स्थान और उत्तराखंड में 442 तीसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश 173, बिहार 131, सुंदरवन 88 है, महाराष्ट्र 312 चतुर्थ स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डलिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ की गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ है 231। अगला है देश के 50 बाघ अभ्यारण में 3 अभ्यारण डांफा अभ्यारण बुक्सा अभ्यारण पलामू अभ्यारण में से कोई बाघ नहीं बचा है। अगला फैक्ट है भारत में कुल बाघ आबादी का 63% 1923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं। विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है। अगला रिपोर्ट हम लोग देखें वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के बारे में। यह रिपोर्ट आईक्यू एयर संस्था स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहर में भारत का 22 शहर है। विश्व के प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रथम स्थान है। सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान 10वां है। गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट देखिए सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान होता है चीन का है। सबसे प्रदूषित देश में प्रथम स्थान बांग्लादेश है। भारत का स्थान 3रा है। सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है। अब हम लोग देखें पर्यावरण एवं परिस्थिति के टू द पॉइंट जनवरी 2021 से जून 2021 तक के करंट अफेयर, जिसमें पहला फैक्ट है नवंबर 2021 में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 की संस्था ने जारी किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन के लोग से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए। अगला है 500 मिलियन से अधिक बच्चों को COVID-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा में से दूर होना पड़ा। अगला है मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। अगला है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अगला है भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा, तो 20 गीगावाट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग GWEC की रिपोर्ट के अनुसार। अगला फैक्ट देखें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है, वाटर वरियल। अगला है जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117वां है। नेक्स्ट है यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। अगला है जून 2021 में असम का 7वां नेशनल पार्क कौन बना, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। अगला है 5 जून 2021 को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था, तो रायमोना, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन घोषित। अगला है जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है, तो कोलंबिया में स्थित है। अगला है भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा। अगला है भारत के संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ के खतरों को सूची से डालने की सिफारिश की यूनेस्को की एक समिति द्वारा। अगला फैक्ट देखें हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह आसपास समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो लक्षद्वीप। अगला देखें भारत का पहला परागकण पार्क पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया, तो उत्तराखंड। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है, तो नई दिल्ली। थीम है मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। अगला है भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा, ओंकेश्वर बांध मध्य प्रदेश। अगला है किस नगर निगम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक शुरुआत की, लखनऊ नगर निगम। अगला है पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी।
अगला है पक्षी महोत्सव। कलरव के स्थान के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है, तो बिहार में। अगला फैक्ट है किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, सड़क परिवहन मंत्रालय। अगला है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, चेन्नई तमिलनाडु। अगला फैक्ट देखें समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो तमिलनाडु। अगला फैक्ट देखें वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता, थियोडोर ब्रस्करन ने। अगला है 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में भारत ने किस शहर को चुना गया है, तो हैदराबाद। अगला फैक्ट देखें किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया, तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट है अशफाक उल्ला और प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश किस शहर में खोला गया, तो गोरखपुर। अगला फैक्ट है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई, तो महाराष्ट्र। अगला है किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इको साइड बिल लाया गया, तो फ्रांस। अगला है भारतीय मौसम विभाग ने 5 जनवरी 2021 को विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020-1901 के पश्चात 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। अगला देखें हम विश्व मौसम संगठन के जनवरी 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 अभी तक तीसरा सर्वाधिक वर्ष रहा। अगला फैक्ट देखिए डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। अगला फैक्ट हम लोग देखें वर्ष 2020 में जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। अगला फैक्ट देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। अगला फैक्ट देखें वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया। अगला फैक्ट देखें गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत का प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला फैक्ट देखें उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क WNBR में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का चयन किया। नेक्स्ट है वर्ष 2021-2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दर्शक घोषित किया गया। अगला फैक्ट है लिविंग प्लेनेट्स रिपोर्ट 2020 LPR 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 से 2016 तक स्तनधारियों पक्षी और वेचरों सरीसीपों और मछलियों की आबादी में 68% की गिरावट देखी गई। अगला है भारत के लगभग 1/3 आर्द्रभूमियाँ लुप्त है, विश्व में 85% से अधिक आर्द्रभूमियाँ भी लुप्त है। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक भारत में है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को आरम्भ किया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला है विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा। टैगलाइन है वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। अगला फैक्ट है 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ, तो जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। अगला है वर्ष 2021-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया, तो नीति आयोग। अगला है वर्ष 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। अगला हम लोग देखें यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। अगला है राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना
2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अगला फैक्ट है, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। अगला फैक्ट देखिए, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो लेह लद्दाख में। अगला है, भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCP को एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार 2020 से UNEP से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट देखिए, भारत किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना है? तो ये हैदराबाद को चुना है। अगला फैक्ट देखिए, विकासशील देशों में जलवायु क्षति को सीमित करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। नेक्स्ट है, जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई? तो नीदरलैंड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें, भारत में आए चर्चित तूफान और चक्रवात। तो यास मई 2021 में आए, इससे प्रभावित क्षेत्र पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य है, इसका नामकरण ओमान किया। तौकते मई 2021 में आया, इससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी एवं दक्षिणी तट है, इसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया। उरेबी दिसंबर 2020 में आया और यह इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु केरल है, यह मालदीव के द्वारा नामकरण किया गया। निवार के बारे में देखें तो नवंबर 2020 में आया और इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी है और इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया। निसर्ग तूफान के बारे में देखें तो जून 2020 में आया और यह इससे प्रभावित क्षेत्र मुंबई क्षेत्र है और यह इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया। अम्फान मई 2020 को आया और इसे प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है और थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।